रियासत से तय नहीं होंगे, सियासत के फैसले, और वो तो उड़ान तय करेगी, आसमान किसका होगा। जय हिंद सभी मेरे प्यारे साथियों को, प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, मेरे भाई अंत तक बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, और जिसका आगामी वीडियो का पेपर वो ये क्लास जो है ढंग से पूरी तरह देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और मैं दिखाऊंगा कौन कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे गुरु जी किस पेपर की, जो कंप्यूटर निदेशक का पेपर हुआ था आज, और उसमें केवल और केवल मैं जीके का पेपर सोल्व करवाऊंगा आपको। और अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जीके भाई अजय सर, तो यहां से जुड़ जाइए आगामी भर्ती को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। बिल्कुल गुरु जी, आइए मेरे भाई पहला प्रश्न स्क्रीन पे, सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक उस समय कौन था, और बात है 17वीं शताब्दी, सारी की दे दियो बोर्ड पे, लिखने की जरूरत को नहीं। बिल्कुल गुरु जी, इसका उत्तर हम भी सही करके आए हैं, इसका उत्तर था राज सिंह। राज सिंह ये फर्स्ट जिसने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। बिल्कुल पहले का उत्तर ये होगा। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट किस, ये करंट का प्रश्न है, किस जिले में था ये प्रश्न था। तो अगर आपको बताओ, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना भी है, बाकी सा जिला गया जोधपुर की, तो राजीव गांधी के ठगो जोधपुर, तो इसका उत्तर जोधपुर हो जाएगा। अब आया था सुमेलित नहीं है, तो भाई साहब विजय दान विजय शाही सिक्के चले थे वो बीकानेर में नहीं थे, तो गुरु जी कहां पर थे। अब विजय सिंह राजा था जोधपुर का, तो विजय सिंह ने विजय शाही सिक्के चलाए थे जोधपुर के अंदर। बात समझ में आ गई। बिल्कुल गुरु जी, गज शाही सिक्के जोधपुर में चले थे, ये भी सही है। जाड़ शाही सिक्के जयपुर में थे, और अखे शाही जैसलमेर के, अखे सिंह राजा हुआ था जैसलमेर के थे, बाकी सारे सही है। विजय शाही है इसका उत्तर, ये उसका था उत्तर, सुमेलित नहीं है ये पूछा है। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि कुवल्यमाला भाषा में कितनी बार बताया है, कुवल्यमाला की रचना तो की थी उद्योतन सूरी ने, किसने की थी, उद्योतन सूरी। अच्छा, इसमें प्रश्न ये था कि कितनी भाषाओं का प्रयोग किया है, जल्दी बोल रहा हूं तो याद कर लेना, 18 भाषाओं का प्रयोग। तो इसका जो राइट उत्तर होगा मेरे भाई वो होगा 18 भाषा। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन कब हुआ, ये करण जी का प्रश्न था, तो इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था अप्रैल 2022 के अंदर। कब हुआ, अप्रैल 2022 में। 19 दिसंबर 1921 में महिला विकास योजना, तो ये भी करण जी का प्रश्न, महिला विकास योजना का संबंध किस योजना से था, तो आई एम शक्ति उड़ान योजना, तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो ये होगा, ठीक है, देख लेना आप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये है, विवान जो है विवान कपूर जी थे वो किसका, उसका संबंध किस खेल से है, तो राइफल शूटिंग से, किससे है, राइफल शूटिंग। असंगत छाटे, बिल्कुल छाटेंगे मेरे भाई, कोई जरूरत डरने की जरूरत नहीं है। रघुनाथ रूपक, बिल्कुल रघुनाथ रूपक की जो रचना की थी वो मनसाराम संवेग ने की थी। सूरज प्रकार की रचना जो है वो करणीदान जी ने की थी, और देश दर्पण वो शंकरदान सामोर ने लिखा था। अब बात करते हैं, देखो सीधा प्रश्न यहाँ था, किरतार भावनी, अरे किरतार भावनी ये नहीं था, तो गुरु जी कौन था, अपने पढ़ते नहीं है, दुरसा आड़ा, दुरसा आड़ा, इनका जन्म ये कहाँ के थे, जोधपुर के कवि थे, है ना, दुरसा आड़ा अकबर, अकबर के दरबार में भी थे, और बेली कृष्ण रुक्मणी रिवचनी का 5वां वेद 19वां प्रण बताया था, वहीं दुरसा आड़ा है। तो याद रखना, इसने किरतार भावनी की रचना की थी। बिल्कुल गुरु जी, ये हमें समझ में आ गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किरतार भावनी की रचना कवि सरदार ने नहीं की थी। रेन शाखा के प्रवर्तक कौन है, पहला तो बात रखो रेन है कट है, तो रेन नागौर के अंदर है। रेन शाखा के जो प्रवर्तक है, एक मिनट इसका ऑप्शन, अच्छा रेन शाखा के प्रवर्तक पूछा है, दरियाव जी, दरिया जी, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन का आधारभूत वर्णन, अच्छा प्री कैम्ब्रियन, पहला बात सुनो मेरी बात ध्यान, इसमें पूछा था प्री कैम्ब्रियन पर्वत का आधारभूत वर्णन किसने किया था, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर रचना जो निर्माण होता है वो होता है किसका, अरावली पर्वतमाला का। अरावली का सर्वप्रथम वर्णन किया था 1923 में ए एम हिरोन ने। अब आपकी इतना डीप आया नहीं, तो गुरुजी मारे के आए हुए ए एम हिरोन, थारा सिद्ध आए हुए हैं कि प्री कैम्ब्रियन काल में वर्णन जो सर्वप्रथम वो किसने किया था, तो वो किया था ए एम हिरोन ने, बस थोड़ा सा दिमाग का प्रश्न था हो जाता, तो इसका राइट उत्तर ए एम हिरोन। विवान क्या है, कंपांटो युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति को क्या कहते हैं, विवान। ये टेलीग्राम पे भी करवाया था शायद प्रश्न मैंने कुछ दिन पहले। पिल्ली मृदा, पिल्ली मृदा जो है वो किस किस क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, इसका राइट उत्तर ये हो जाएगा, चेक कर लेना कॉपी में। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की है, तो 19वीं शताब्दी की है। हवेली चित्रकला जो है वो किस शताब्दी की है, 19वीं। अबानेरी का संबंध है, देखो पहलो प्रश्न आठ गलत करेगा टाबर, हर्ष को नाम आते हैं गगुरजी हो तो गलती है, क्योंकि हर्ष सिकर है, लेकिन भाई साहब हर्षनाथ का मंदिर नहीं पूछा, हर्ष माता का मंदिर पूछा, तो हर्ष माता का मंदिर कहाँ, अबानेरी दोसा में है। हर्षनाथ पूछा नहीं तो है सिकर के अंदर, हर्ष माता का मंदिर कट है अबानेरी दोसा में।
उसके बाद चांद बाबड़ी, अभी दोस्तों का अंदर जो राजस्थान की सबसे प्राचीन बाबड़ी है, इसे भूल भलैया बाबड़ी भी कहा जाता है क्योंकि सीढ़ियां नहीं हटड़ी मटिएगी। पिपलाद माता का मंदिर उस लाल सोट दो सा अंदर है, तो ये उत्तर इसका गलत हो जाएगा। यह सम्मिलित पूछा था यानी आबा नेरी का संबंध किससे नहीं था, तो इससे नहीं था, ये लाल सोट दो सा के अंदर है, तो इसके ये दो सही थे, ये गलत था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नेक्स्ट पे, राजस्थान सेवा संघ की। अच्छा अब ये था सुमेलित कीजिए, मैंने सुमेलित ऑलरेडी कर दिया है। राजस्थान सेवा संघ में कौन कौन लोग शामिल थे, विजय सिंह पथिक था, रामनारायण चौधरी था, हरिबाऊ किंकर, तो ये ऑप्शन में तीन थे। देश हितेशनी सभा की स्थापना सज्जन सिंह ने की थी, वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बाट ने की थी, सर्व हितेशनी सभा की स्थापना गोपाल दास जी ने की थी। इसके बाद बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना की, इसमें सीधा लिखा हुआ था पेपर में भाखड़ा परियोजना, बता देंगे पंजाब हरियाणा और राजस्थान, और याद कर लेना एक राज्य इसने नहीं दिया था ऑप्शन में, हिमाचल प्रदेश की भी, चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल गुरुजी, इसके राजस्थान में दो जिले लाभान्वित होते हैं, हनुमानगढ़ और चुरू, लेकिन इसमें ऑप्शन में एक ही दे रखा था, तो ये भी बात सही है, ये भी सही है। राजस्थान का हिस्सा 17.22 नहीं, राजस्थान का जो हिस्सा है वो 15.22 है। अब देखो ये पजल करता है, अगर टिका के रट्टा मार डा तो अठे काम आवे, 17 कर दी 22 कर देते तो 22 याद हो था ना गुरु जी, वो भी सही होगा, लेकिन ये क्या था गलत। 2.3 लाख हेक्टेयर कृषि सिंचाई के लिए की जाती है, तो ये भी बात सही है, तो इसके तीन ऑप्शन सही थे, 1, 2, 3, ये ऑप्शन से होता प्रश्न, क्योंकि अगर ये याद नहीं था तो भी हो जाता ऑप्शन से, ये दो याद थे ये हो जाता बिल्कुल, तो इसका राइट उत्तर जो है वो ये होगा, क्योंकि इसमें नहीं बड़ा पूछा था। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, डेगाना मैंने सुमेलित कर दिया है, डेगाना टंगस्टन की खान है नागौर के अंदर, मांडो की पाल फ्लोर्स पार की खान है, झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट की खान है, और गोट मांगलोद जो खान है वो किसकी है, जिप्सम की, ये भी बिल्कुल क्लियर, ये सुमेलित कर दिया मैंने ऑटोमेटिक, आप पेपर में मिला लेना। इमामुद्दीन का संबंध, अच्छा इमामुद्दीन का जो संबंध है वो उस्ता कला से है, उस्ता कला कठेगी फेमस है गुरुजी, उस्ता कला तो बीकानेर की प्रसिद्ध है ना, तो इमामुद्दीन का संबंध जो था वो उस्ता कला से था, बिल्कुल ठीक है, थेवा कला करके आया कहीं, अब था नहीं तो कौन था, थेवा कला जोशी परिवार का लोग, सोनी परिवार का सॉरी, तो सोनी और अमीमिदुल नाम का अंतर कौन लगा गया था ना, है गुरुजी जल्दबाजी होगी, अच्छा रे गज विलास और ज्वार विलास, यानी विलास पूछा था कहाँ के प्रसिद्ध है ये, तो जैसलमेर को किला नहीं, जिन्हें बोला सोनगढ़ या जैसलमेर का किला उसके प्रसिद्ध है। इसके बाद सांबर झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी प्रश्न ऑप्शन में ए बी दो थे, ये सही है। इसका देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री से 75 डिग्री के अंदर है, ये बात भी सही है, तो दोनों ही ऊपर है, दोनों ही सही थे इसके। अब ये जो प्रश्न है ना, ये पता कैसे सही होते, अगर आपको राजस्थान का अक्षांश विस्तार पता है, राजस्थान का अक्षांश ये कितने चलता है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17। अब आपको पता है कि 74 और 75 अठ जाओ, और अठे एक झील है सांबर, अब ये ऐसे भी होते थे प्रश्न कि दिमाग थोड़ा सो लगाओगा तो सारों की हो जाता। राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह कौन सा है, तो अपोलो सूरतगढ़ रही है, सूरतगढ़ राजस्थान का पहला और बड़ा यही है सूरतगढ़, ठीक है सूरतगढ़ तापीय थर्मल पावर प्लांट गुरुजी, ठीक है माने तो प्रश्न सही है हमारा सारा ही। आगे देखो तो फिर सही है तारा, तो भुला बिसर राजा रावचंद्र सेन को कहते हैं, मारवाड़ को राजा और रावचंद्र सेन, ओ भूल जाता हूँ या को नहीं, मतलब इतिहासकारों ने इसको पिरोया नहीं, वैसे भुला बिसर राजा भूल तो खुद को नहीं हो, महाराणा प्रताप की तरह बहादुर था ये, महाराणा प्रताप का कभी भक्त भी था ये, क्योंकि महाराणा प्रताप का जब विधिवत रूप से 1578 में राज तिलक किया गया था, तभी ये गया था उसके विधिवत रूप से राज तिलक में, तो मारवाड़ का प्रताप भी इसे कहते हैं, प्रताप का अगर माने गाने में भी कहते हैं, और भुला बिसर राजा भी रावचंद्र सेन को कहा जाता है। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा प्रतिबोध बढ़ेर बोला, क्या बोला बढ़ेर, देख लेना उत्तर, जेंटलमैन समझौता, देखो जेंटलमैन समझौता जयपुर में हो, जयपुर प्रजामंडल पटापी के अंदर आवे, जेंटलमैन समझौता 1942 में हुआ, बिल्कुल ठीक बात है, झालावाड़ में हुआ गलत बात है, इसमें ये रखा था कि भविष्य में हम अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे, तो ये बात भी सही है, तो गलत कौन सी बात थी, झालावाड़ वाली, ये देख लेना जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप उतना जल्दबाजी हो गुरु जी के राग रहे एक प्रश्न पर, जल्दी जल्दी बताओ नहीं जल्द कर ला रही हूँ जल्दबाजी। अच्छा ये युद्धों का क्रम पूछा था, पहले कौन सा हो उसके बाद कौन सा, तो हल्दीघाटी आज 18 जून 1576, खानवा का जो युद्ध था वो 1527, और त्राइन का द्वितीय युद्ध पूछा था तो 1992, तो पहला ये हुआ उसके बाद ये हुआ उसके बाद ये हुआ, तो पहला दूसरा तीसरा, ओके भाई देख लेना।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बांसवाड़ा का अक्षांश विस्तार। देखो अगर राजस्थान को था ना वो याद है देशांतरी अक्षांश विस्तार तो कटे ही दिक्कत कोनी। 23 degrees 3 minutes चले 30 degrees बार 30 सपन में रहा कोनी मरा क्योंकि 12 महीना नदियाँ चले। 69 degrees 17 भी बता के गया था 78 degrees 7 minutes 79 degrees 30 अब देखो अठा बांसवाड़ा है अठा धौलपुर है कठा दिक्कत ही प्रश्न करने में अठा जैसलमेर है अठा गंगानगर है। बांसवाड़ा का 23 है बिल्कुल सही है, जैसलमेर का 69 है बिल्कुल सही है, धौलपुर का 78 है बिल्कुल सही है, गंगानगर का 30-12 है। रेजा होगी ध्यान में आगा हो तो बेटी जाओ बेटी पढ़ाओगा। ब्रांड इन्वेस्टर पूछा था लवनी वगैरह सभी को बताइए बात भी लवनी अवनी लखेरा सॉरी अवनी लखेरा गुरुजी मान तो सारा सही है प्रश्न मारा बहुत बढ़िया बात है भाई सभी सही है। तो आपके माई कंचन चावल की किस्म है नहीं माई कंचन जो मक्का की किस्म है बस ये चौथा ऑप्शन दिया हुआ था ये असुमिलित था तो असुमिलित पूछा था तो ये हो जाता। दामना भूषण आ दाम लूंगा तेरे छोड़ दूंगा नहीं कभी जिंदगी में तो दामनो आभूषण कटे हुए हाथ को हाथ नहीं दे रखा था गुरुजी अंगुली दे रखा था तो अंगुली कर देना ऑप्शन में अंगुली दे रखा था तो अंगुली कर देना क्या बात है। आश्रम पट्टनम का संबंध केशवरायपाटन से है केशवरायपाटन केशवरायपाटन गुरुजी कटे पड़े है केशवरायपाटन पड़ा बूंदी में चंबल नदी के किनारे। गुरुजी मारे प्रश्न ठीक हो रहे हैं लगभग तो भाई साहब मिकट ऑफ पापा जल्दी लेके आओ कितनी की सब जाओगी। देखो भाई पेपर ठीक था देखो अब कंप्यूटर निदेशक वाले विद्यार्थियों के लिए क्या कह सकते हैं जो कंप्यूटर निदेशक उनका कंप्यूटर अच्छा होता है अब वो जीके के अंदर थोड़ा सा आतंक होगा क्यों ऑटोमेटिक होगा क्योंकि सब्जेक्ट उनका कंप्यूटर बैकग्राउंड कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में की पूछ लो बता देगा लेकिन जीके में अब जो जीके और मास्टर हुआ है जीके जो ढंग से तरीके रहा उसको ये प्रश्न नॉर्मल लगेंगे लेकिन आपके लिए बिल्कुल थे तो आप वाले ही थे वो उसमें पेपर में भी तो देख लेना मेरिट किस हिसाब से बनेगी टेंशन मत लेना। अगर आपने मेहनत की थी ईमानदारी के साथ तो जरूर सिलेक्शन होगा कोई डरने वाली जरूरत है नहीं मेरे भाई। ओजियाना सभ्यता कहाँ है ओजियाना जाजपुर और बागौर तीनों की तीनों सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है तो इम दे रखो चित्तौड़गढ़ यानी वो तो गलत हो गया पहले तो जोधपुरा जयपुर के अंदर सही है सुनारी झुंझुनू में गिलुंड राजसमंद में है ये सारे सही हैं ये गलत था तो देख लेना ऑप्शन के अंदर। आयु वर्ग में अच्छा 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात 2011 की जनगणना झुंझुनू का रहा था ये मैंने रात को ना टेलीग्राम पे एक पोस्ट डाली थी मैंने कहा इसको पढ़ जाना मेरे भाई एग्जाम में जाने से पहले बहुत पर्सन आ जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा वो अभी स्क्रीनशॉट डालूंगा क्योंकि अभी मैंने पेपर देख लिया अब मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा उसके देखना कितने पर्सन आए थे। टेलीग्राम से जुड़ जाना अपना टेलीग्राम चैनल जीके भाई अजय सर के नाम से है। पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना में देश का दूसरा जिला कौन सा है यानी राजस्थान का पहला जिला है वो और देश का दूसरा जिला बन गया कौन सा जिला डूंगरपुर आवास योजना के तहत। चावंड राजधानी बनी थी 1585 में महाराणा प्रताप ने अंतिम समय में संकटकालीन जो राजधानी बनाई थी वो किसको बनाया था चावंड को। राजपूत पेंटिंग में वैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया था चित्रकला का वो किया था आनंद कुमार स्वामी ने आनंद कुमार स्वामी ले भाई ओ थारो पेपर है कंप्यूटर अनुदेशक को मन लगा खोपड़ी फोड़ दी पेपर की थे बढ़िया क्रिया है ना कोई दिक्कत वाली बात है को नहीं। हाँ गुरु जी बढ़िया पेपर हो चलो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपके कल वाले पेपर के लिए अच्छी तरह से मेहनत करना भाई मेरे रात को जल्दी सो जियो मेहनत गुरु जी अब घनी कर ली नहीं मतलब रात ने मेन चीज़ें थोड़ी सी फुल फॉर्मा देख जियो कैठा पेपर में अगले दिन आ जाए है को नहीं ठीक है गुरु जी मिला अगला भाग में तब तक के लिए जय हिंद।